हाँ सर डॉक्टर फातिमा सुल्ताना एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा टुडेज टॉपिक इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसी वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक के अंदर जो स्पीसीज जो इलीगल ट्रेड हुए हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे now what is morphometry morphometry it is the basis for the species identification in india like many other countries the problem is not the laws but these may be poorly connected and just as poorly implemented and enforced often positive efforts to address wildlife trade concerns are under, undetermined by lack of political will and governance failures without political backing incentives for overpopulation एक्सप्लाइटेशन एंड इलीगल ट्रेड सच as penalties फॉर लीगल इन्फ्रिजमेंट्स और ऑल टू ऑफन वीक कहने का क्या मतलब है कि इंडिया में भी दूसरे कंट्रीज़ की तरह जो है कमी एनफोर्समेंट एजेंसीज की नहीं है कमी है तो इम्प्लीमेंटेशन की है जो पेनल्टीज हैं जो इलीगल uh, ट्रेडिंग के लिए जो है वो बहुत माइन्यूट है बहुत कम है उसके आगे जो है जो पैसा जो कमा रहे हैं इस इलीगल ट्रेडिंग के वजह से वो कहीं ज़्यादा है वो यही कारण है कि इंडिया जो है वो ट्रैफिकिंग में इलीगल ट्रेड में काफ़ी टॉप पर है बट हाउ डीज एनिमल्स कैन बी आइडेंटिफाइड दैट इज़ अगेन अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द एजेंसीज टू गिव पनिशमेंट किसी को अगर पकड़ भी लिया है तो उसको पेनल्टी लगाना या पनिश करने के लिए उसका क्राइम भी जस्टिफाई होना चाहिए कि उसने क्राइम किया है ये जो पार्ट है वो इलीगल है एनिमल जो ट्रेड हुआ है वो इलीगल है इसको पहचानना दैट इज़ द सेकेंड चैलेंज फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसी जैसे आपको बताया था कि पंजे नाखून कुछ भी आपको मिल सकता है जो इलीगल ट्रेड हो रहा है द रिक्वायरमेंट इज टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई दाट स्पीसीज एंड दिस इज नोन एज द मोरफोमेट्री टाइगर का स्किन हेयर विस्कर्स क्लॉस बोन्स टिश्यूज पूरा टाइगर जिंदा भी वैल्यूबल है मरा हुआ भी उतना ही वैल्यूबल है किसके लिए जो इलीगल काम कर रहे हैं यू कैन सी दिन ओवर हियर देखते ही एक बार को सबको लगेगा आपको कि ये टाइगर के स्किन हैं बट मैं ये कहूँगी कि ये फेक है ये सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर द स्किन इज ओरिजिनल और फेक सही है ये या फेक है कैसे पहचान सकते हैं ऑल दीज फोर स्किन आर फेक कमाने वाला जो है इमिटेशन सिल्क की साड़ी बेच के भी कमाएगा और ओरिजिनल सिल्क की साड़ी बेच के भी कमाएगा दोनों ही पैसा कमाना चाहते हैं अपने अपने तरीके से कमाना चाहते सेम इज़ विद दिस टाइगर स्किन इस आदमी ने भी यही सोचा कि टाइगर तो नहीं मैं मार सकता नहीं मैं बेच सकता पर मैं टाइगर की खाल बना के बेच सकता हूँ सो ही डिड द सेम उसने किसी कुत्ते को मारा होगा या किसी जानवर को मारा होगा और उसको टाइगर की स्किन की तरह पेंट कर दिया पेंट करने वाला आर्टिस्ट बहुत अच्छा था देखिए आप यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुली ही हैज़ पेंटेड बट एज अ साइंटिफिक स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट यू ऑल शुड नो दैट एवरी टाइगर हैज़ इट्स ओन स्ट्राइप्स हर टाइगर का अपना एक इमेज होता है स्किन का और इसी स्किन के इमेज के वजह से ही कैमरा ट्रैपिंग के द्वारा टाइगर्स की मॉनिटरिंग की जा रही है यू नो द फ्लैंक फ्लैंक का मतलब एक साइड जो टाइगर का जो फ्लैंक है उसका कैमरे में जो फोटो आती है वो दूसरी तरफ भी अगर उसका फ़ोटो लेते हैं तो दोनों साइड की फ़ोटो अलग अलग होगी और हर टाइगर का अलग अलग होगा अगर सेम इमेजेस बार बार कैमरे में रिपीट हो रहा है दैट मीन्स सेम टाइगर वहाँ से गुजर रहा है और अलग अलग इमेजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब अलग अलग टाइगर घूम रहा है वहाँ पर सो स्ट्रिप्स ऑफ द टाइगर इज वेरी पैक्यूलर दोनों साइड के अलग होते हैं और हर टाइगर का ये स्ट्रिप जो है वो टिपिकल होता है इसमें देखिए जो पेंट किया उसने बिल्कुल एक जैसे दोनों साइड पेंट किया है दूसरा ये है दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द फेक स्किन जो पेंट करते हैं स्किन को अगर उसको उठा के देखेंगे हम तो एवरी हेयर के बीच में वाइट या जो दूसरा कलर का जिस स्किन को यूज किया है वो अंदर दिखाई देगा क्योंकि ओरिजिनल जो स्किन होगा वो जड़ से लेके टिप तक जो है सेम कलर का होगा अगर येलो है तो येलो ही होगा ब्लैक है तो ब्लैक ही होगा वाइट है तो वाइट ही होगा आधा ब्लैक आधा वाइट ऐसा नहीं होगा इसमें आप देखो ये पूरे जो है ये जिस तरह से टाइगर का स्किन होना चाहिए अंदर से लेके बाहर तक वो सेम होगा जड़ से लेकर के टिप तक और अगर आप पेंट करते हैं तो ऊपर ऊपर का कलर अलग होगा और नीचे का कलर जो है वो वाइट होगा अब इस तरह का जो ढेर अगर कहीं मिल गया है तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट वॉट इज दिस ये किसके पंजे हैं ये तो अनटिल एन अनलैस यू हैव द स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल वी कैन नाट आइडेंटिफाई दैट द बोन बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द एनिमल और विच एनिमल इट बिलोंग्स टू सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ द स्पीसी द प्रोटोकॉल कुड भी डन इन डब्ल्यू आई आई इन विच दे कुड स्टडी द शेप एंड स्ट्रक्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कल द बोन साइज ये सब ले करके उन्होंने टाइगर का पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना लिया है नाउ डब्ल्यू आई आई हैज़ दाट प्रोटोकॉल उनके पास उन्होंने ये पूरा स्टडी कर लिया टाइगर का कि टाइगर का कौन सा बोन किस तरह से दिखता है स्कल का बोन कैसे दिखता है अपर जॉ का कैसे दिखता है लोअर जॉ का कैसे दिखता है दिस इज़ ऑल ऑफ द टाइगर ये कैनाइन है टाइगर का दांत थर्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग सी हाउ ह्यूज साइज दिस कैनाइन ऑफ द टीथ टाइगर का है दिस इज ऑल्सो द पिक्चर फ्राम डब्ल्यू आई आई कैनाइन हाथ में ये मेरे ही हाथ में है ये देखिए कितना बड़ा है एक दांत टाइगर का कितना बड़ा है ये और टाइगर का जो दांत है उसका ओरिजिनल दांत पहचानने का तरीका ये क्योंकि टाइगर जो है वो फ्लैश खाता है इट इट्स फ्लैश एंड इट होल्ड द्रे स्ट्रॉन्गली तो इसके दांत के ऊपर जो लाइंस देख रहे हैं ना ये दांत को बार बार यूज करने के वजह से वो लाइंस आए हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम क्लॉस जो उनके नाखून हैं उनको कैसे पहचान सकते हैं यू कैन आइडेंटिफाई बाय एक्सरे फोटोग्राफी ये सारे जो यहाँ पे रखे हुए हैं दिज आर दलॉस ऑफ टाइगर और ये जो क्वेश्चन मार्क में रखा हुआ है ये फेक है ये ना हाउ कैन यू टेल कि ये क्लॉ असली है और ये क्लॉ नकली है इधर टाइगर के रखे हुए हैं इधर लेपर्ड के रखे हुए हैं जो यहाँ क्वेश्चन मार्क में है ये फेक है क्लॉस नाउ दिस यू कैन सी क्लॉ जो नाखून है टाइगर्स के कैसे होते हैं रिट्रैक्टर मतलब जब उनको ज़रूरत होती है वो नाखून बाहर आते हैं जब नहीं चाहिए वो अंदर की तरफ फोल्डर्ड रहते हैं तो यू कैन सी ये जो नाखून है ये आगे से टूटा हुआ भी है क्योंकि इट इज़ यूजिंग इट ये लेपर्ड का है और पहले जो दिखाया था वो टाइगर का है और ये देखिए ये नकली है तो नकली बनाने वाले को ये नहीं पता था कि उसकी नाखून के ऊपर वो क्योंकि रेट्रैक्टाइल होता है वो अंदर बाहर कर सकता है तो इसने प्लास्टिक का जो बनाया है उसके अंदर एक हड्डी घुसा दिया दिस इज फेक यू कैन सी द स्ट्रक्चर ये जो दिखा रखा है इसके अंदर कैसे ऊपर से जो है ये नाखून को कवर कर रहा है ये ओरिजिनल नाखून है इसको दो अलग अलग कर रखा है देखिए आप ये जैसे दांत होता है दांत अंदर जब रहता है हमारे टीथ के अंदर तो एक कैप की तरह उसमें उठा हुआ रहता है जिसमें हमारा वो ना टीथ का कैप लगा हुआ रहता है सिमिलरली इसमें नाखून जो टाइगर का होता है ये भी जो आप इसमें नोच सा देख रहे हैं इसके अंदर वो नाखून लगा हुआ रहता है एक्सरे फोटोग्राफी में यू कैन सी दैट क्लियरली अगर कोई क्लॉ मिलता है तो उसका एक्सरे लेकर के आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वो कील लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है कि नहीं दिख रही है बिकॉज कील लाइक स्ट्रक्चर में क्लॉ अंदर रहता है और जबकि जो फेक होता है उसमें ये कील लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा दीज आर वेरियस बाइल्स विच हैव बीन फाउंड जो स्लॉदर है उसके पंजे और उसका जो गैल ब्लैडर है उसके बाइल्स मिले हुए हैं ये स्लॉथ बियर भी उसके बच्चे भी जो है वो बेचे जाते हैं जिंदा सो पोचिंग ऑफ बियर्स इज ऑल्सो वेरी 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 कॉमन वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस बियर इज पोस्ट इट इज पोच्ड फॉर बाइल बॉडी का जो फैट है वो भी बेचा जाता है and even the claw, canine and hair of the sloth bear are also sold out illegally. Bile juice iska bahut mehanga bikta hai because it is used in Chinese medicine for fertility. इसको ये जो medicines हैं, ये लोग लेते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा strength इनको मिलेगा. and that is the reason why just for this bile, ये जो bile का जो थैली है ना जिसके अंदर बाइल जूस है सिर्फ इस थैली के लिए पूरा स्लॉद बियर को जो है वो मार दिया जाता है दिस इज मस्क डीर मस्क डीर के लिए जो है वो मस्क डीर को ही मार दिया जाता है इसके अंदर खुशबू जो आती है जो हिरण के नाभि के अंदर जो रहता है जिसमें से खुशबू आती है उसको मस्क पॉड कहते हैं ये मस्क डर है इसके जो नाभि के अंदर जो है वो मस्क पॉड पाया जाता है अब इसमें भी देखिए ओरिजिनल और फेक होते हैं ओरिजिनल और फेक दोनों ही तरह के हो सकते हैं फेक भी बिकते हैं और ओरिजिनल भी बिकता है जो फेक है उसके अंदर चारकोल जैसा पाउडर निकलता है और ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर को वो पॉड बना देते हैं और उसके अंदर चारकोल के टुकड़े जैसे को डाल करके और उसमें खुशबू भर देते हैं एलिफेंट आइवरी टस्क जो है वो एलिफेंट आइवरी के तौर पे जो है इलीगली ट्रेड किया जाता है एंड फॉर दिस एलिफेंट्स आर पोस्ट सिर्फ टस्क निकालने के लिए पूरे के पूरे एलिफेंट को ही जो है वो मार दिया जाता है और उसके टस्क काट करके ले जाए जाते हैं सो व्हाट आर द पार्ट्स विच आर बीन रिपोर्टेड फॉर ट्रेडिंग इन दिस एलिफेंट टस्क और एलिफेंट का टेल हेयर जो टेल का जो बाल है वो भी जो है अंधविश्वास है उसके लिए भी जो है वो टेल काट के ले जाते हैं उसका जो मीट है उसके लिए भी काट के ले जाते हैं एलिफेंट्स को अब ये जो वेरियस आइटम्स जो यहाँ पहुँचे हैं टस्क के तौर पे एलिफेंट का ना हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि इनमें से सारे जो आइटम्स हैं वो हाथी दांत के ही बने हुए हैं नाउ दिस इज अगेन वन चैलेंज तो टस्क जो होता है एलिफेंट का जो टस्क यानी जो उसका दा, दा, जो लंबा सा आइवरी दांत जो जिसको कहते हैं उसके ऊपर श्रेगर एंगल्स दिखाई देते हैं श्रेगर एंगल हम किसको कहते हैं जैसे आप लाइंस को देखें तो ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल की दिखा, तरह दिखाई दे रहा है जैसे ये वाइट और पिंक जो दिखाया है एक लाइन इस तरह से चलता रहता है जो पिंक में मैंने दिखाया है और एक वाइट में दिखा तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो माइक्रोस्कोप से हम देखें तो डायमंड शेप के श्रेगर एंगल्स दिखाई देंगे एंड दिस इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं वो एक स्पाइरल फैशन की तरह दिखाते हैं और दिस आर नोन एज द श्रेगर एंगल एंड व्हाट इज दिस टीथ हैं ऑडंटो ब्लास्ट के ही बने हुए हैं ये इस श्रेगर एंगल को देख करके इफ़ यू कट अ पीस ऑफ द टास्क यू कैन सी दिस श्रेगर एंगल और अगर किसी प्लास्टिक का बना हुआ है या किसी और मोल्डेड आर्टिकल का बना हुआ है तो दैट विल बी फेक तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द फेक ओरिजिनल टस्क एंगल्स दिखाई दे रहे हैं ओरिजिनल टस्क है नहीं तो ये फेक है सो द श्रेगर लाइंस वी कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज ओरिजिनल और नॉट सो श्रेगर लाइंस आर नॉट विजिबल और प्रोडक्ट्स आर फिनिश्ड और फेक इन नेचर अगर श्रेगर लाइंस नहीं दिखाई दे रहे हैं छोटा सा पीस भी कट करके उसको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे कि वो श्रेगर एंगल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है अगर नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो फेक है वो नाउ नेक्स्ट इज़ द रनोसेरस हॉर्न राइनोसरस के हॉर्न भी इलीगल ट्रेड होते हैं और ये भी ओरिजिनल और फेक दोनों ही तरह के बिकते हैं तो अगर ओरिजिनल है तो ये जैसे राइनोसेरस भी अपना हॉन किसके लिए यूज़ करता है इट इज़ यूजिंग फॉर इट्स डिफेंस तो उसका जो हॉर्न का जो ऊपर का हिस्सा है देखो वो टूटा हुआ होगा एकदम फाइन नहीं होगा कभी भी और अंदर से खोखला होगा क्योंकि हॉर्न का मतलब ही हॉलो तो अंदर से हॉलो होगा और अंदर भी स्किन जैसा सा चीज़ लगा हुआ दिखाई देगा इसमें आप राइनोसेरस के हॉर्न को देख सकते हैं दोनों में ही ऊपर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है ब्रोकन एंड फ्रॉम इनसाइड यू कैन सी इट इज़ हॉलो नाउ दिस इज फेक ऊपर से बिल्कुल उसको चिकना कर दिया है टू गिव दरेंस कि हाँ ये राइनोसेरस यूज कर रहा है इस हॉर्न को यू कैन सी अंदर जो है देखो ये ठोस लकड़ी जैसा कोई चीज़ है जिसके ऊपर एक स्किन जैसी परत चढ़ा दिया है इसको कट करके दिखाया है यहाँ पर और ये देखो ये मोटे से किसी एनिमल के हड्डी को ही काट करके राइनोसरस का हॉर्न बता करके फेक बेचा जा रहा था वो भी सीज किया तो दिस इज़ आल्सो फेक अब ये सारे रखे हुए हैं इनमें आप बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा फेक है ऑल दीज आर फेक ये सब सॉलिड हैं ये इनको सिर्फ स्ट्रक्चर दिया है राइनोसेरस के हॉर्न की तरह और ये सारे के सारे नकली हैं बट देवर बी ट्रेडिंग मैंने आपको बताया था कि सही गलत दोनों ही बिकते हैं दीज आर ऑल फेक अंदर से देखिए सारे के सारे भरे हुए हैं बनाया गया है इसको बट उनको ओरिजिनल की तरह तो नहीं बना सकते वो तो दिस आर ऑल फेक ये सब लकड़ी के बनाए हुए हैं इवन मंगूस दिस इज़ ऑल्सो इलीगली ट्रेडड दैट इज़ पोस्ट फॉर इलीगल ट्रेडिंग ऑफ दिस ब्रशेस इनके जो ब्रशेस हैं वो इतने सॉफ्ट बनते हैं कि पेंटिंग में यूज़ होते हैं ना हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर दिस ब्रशेस और ओरिजिनली मेड ऑफ मंगूस स्किन और नॉट तो मंगूस का स्किन में आप ये डिजाइन जो टेक्सचर देख सकते हैं हेयर के वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है बाई लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर यू कैन आइडेंटिफाई दट दिस है हेयर ऑफ मंगूस और उसके लिए मंगूस को जो है वो पोच किया जाता है Just because to make these brushes which are being used by the painters. Thank you so much.